तिनके तिनका तिनके पे तिनका छुट्टी के दिन का छुट्टी के दिन का इंतजार है इंतजार है। आज शनिवार है कल इतवार है आज शनिवार है कल इतवार है। बहुत गाने गा रहे हो, क्या बात है भाई। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू दीदी। बेटे तुम लोग क्या गा रहे थे, क्या मुझे भी सुना सकते हो गाना? हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, चलो दोबारा चलो रोहन हम सब मिलके गाएं। चलो आ चलो बिल्कुल। तिनके पे तिनका तिनके पे तिनका छुट्टी के दिन का छुट्टी के दिन का इंतजार है आज शनिवार है कल इतवार है आज शनिवार है कल इतवार है। अच्छा उड़ाएंगे हम लोग पतंग घर वालों को करेंगे हम तंग कुल की मलाई चटपटा चना जोरदार है छुट्टी के दिन का इंतजार है इंतजार है। आ गया छुट्टी का दिन भी आ रहा है, तुमको छुट्टी के दिन का इंतजार है। चटपटे चने खाओगे कुल्फी खाओगे, जाड़े में मत खाना ठीक है। अच्छा तो ये बताओ छुट्टियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं? हाँ दीदी हम सबको छुट्टी का दिन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आंचल तुम बताओ कि कल कौन सा दिन है? कल इतवार है। छुट्टी का दिन सबको याद रहता है। अच्छा और इस इतवार को कुछ और भी कहते हैं हिंदी में, किसी को पता है? मालूम नहीं दीदी। मैं बताती हूँ, इस इतवार को हम लोग रविवार भी कहते हैं ठीक है। अच्छा अब ये बताओ इस इतवार और रविवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मालूम नहीं दीदी। नहीं मालूम, चलो रोहन तुम बताओ। संडे। ये रोहन को पता था ठीक है, इसको छुट्टी बहुत पसंद है इसलिए तो इसको हम कहते हैं संडे। अच्छा अब रोहन बताएगा कि हम सोमवार को क्या कहते हैं? मालूम। आप गए काम से ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैं बोलूंगी उसके बाद तुम लोग रिपीट करना ठीक है। चलो मैं तुम्हें इससे ही बताऊंगी जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, और तुम्हें इससे याद भी हो जाएगा ये ठीक है। देखो इतवार यानी संडे, इतवार यानी संडे ठीक है। इतवार यानी संडे, इतवार यानी संडे। सोमवार यानी मंडे, सोमवार यानी मंडे। सोमवार यानी मंडे, वेरी गुड। और मंगलवार यानी ट्यूसडे, मंगलवार यानी ट्यूसडे, वेरी गुड। बुधवार यानी वेडनेसडे, बुधवार यानी वेडनेसडे, इसको वेंसडे भी बोलते हैं ठीक है। तो बुधवार यानी वेंसडे, बुधवार यानी वेंसडे। गुरुवार यानी थर्सडे, गुरुवार यानी थर्सडे। शुक्रवार यानी फ्राइडे, शुक्रवार यानी फ्राइडे। और अंतिम दिन आया शनिवार, शनिवार यानी सैटरडे, शनिवार यानी सैटरडे। चलो सब मिलके सारे नाम फिर से बोलो एक एक करके। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वेरी गुड, अब नाम याद हुए? हाँ दीदी। ठीक है चलो अब ये बताओ कि ये तो हुए दिनों के नाम ठीक, और ये कुल कितने हैं? मैं बताऊं दीदी? बताओ तू। ये कुल 7 दिन है। ये कुल 7 दिन है, और सप्ताह को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताओ दीदी। बताओ रोहन। वीक। वीक कहते हैं। जरा वीक की स्पेलिंग बता सकते हो मुझे? WEAK। भाई वीक WEAK माने तो होता है कमजोर, पर हमारे सप्ताह के पास कितने दिन है? 7 दिन, तो वो कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग होगी ठीक है। उसका स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग है WEEK यानी WEEK। बोलो तो स्पेलिंग WEEK। वेरी गुड, इसका मतलब हुआ वीक, और वीक माने सप्ताह ठीक। चलो अब मुझे बताना कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी है कि जो सप्ताह से रिलेटेड है ठीक। ये मैंने कैलेंडर से काट के बनाए हैं दफ्ती पे चिपका के, तुम भी ऐसे ही बना सकते हो ठीक है। बताओ तो, देखो कितनी सारी संख्याएं हैं यहाँ पर, बताओ। अच्छा तुम बताओ।
सेकंड सेकंड अच्छा आप बताओ विपुल दीदी वन नहीं भाई और कोई बता सकता है मैं बताऊं दीदी बताओ बेटी सेवन हाँ सेवन यानी सात दिन यानी एक सप्ताह और सप्ताह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वीक कहते हैं वेरी गुड जया ने बहुत अच्छा बताया हमें ठीक है चलो मैं अभी पूछती हूँ ठीक अब ये देखो वन माने संडे शाबाश तुम समझ गई जो हम पूछना चाह रहे थे अच्छा अब ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ दीदी मैं बताओ वेडनेसडे देखिए चौथा नंबर यानी वेडनेसडे ओके वेरी गुड अच्छा अब ये बताइए फाइव का मतलब मैं बताऊं दीदी बताओ तू थर्सडे चलो अभी मैंने ये बताया आपको कि ये हो गया वन और वन को कहते हैं एक नंबर भी होता है पहला पहले की अंग्रेजी क्या होती है आंचल नहीं पता इसको कहते हैं फर्स्ट ठीक तो इतवार यानी संडे हुआ पहला दिन तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे संडे फर्स्ट डे मैं बोलती हूँ आप लोग रिपीट करना ठीक संडे फर्स्ट डे मंडे सेकंड डे ट्यूसडे थर्ड डे वेंसडे फोर्थ डे थर्सडे फिफ्थ डे फ्राइडे सिक्स्थ डे एंड सैटरडे सेवन डे ठीक है याद रहेगा अच्छा चलो अभी थोड़ी देर बाद इसको भी छुपा देते फिर से साथ पहेली खेलेंगे अब ये बताओ कि तुमने क्या क्या सीखा आज मैं बताओ दीदी बताओ तू आज हमने दिनों के नाम सीखे हाँ इन्होंने दिनों के नाम सीखे तो पांचवा नंबर कौन सा होता है थर्सडे वाओ इसको तो पूरा याद है विपुल तुमने क्या क्या सीखा दीदी हम लोग ने वीक की स्पेलिंग सीखी हाँ इसने वीक की स्पेलिंग सीखी जरा बता सकते हो जी दीदी डब्ल्यू डबल ई के वीक अच्छा जया तुमने क्या सीखा हमने सीखा कि सप्ताह में कौन सा दिन किस नंबर पर आता है हाँ इन्होंने सीखा कि सप्ताह में कौन सा दिन किस नंबर पर आता है आंचल तुमने क्या सीखा मैंने ये सीखा कि आंचल ने सब सीख लिया है ना ठीक अभी आंचल हम दोबारा याद कराएंगे तो तुम ध्यान से सुनना ठीक है ठीक अच्छा देखो आंचल से ही पूछते हैं और इसको याद कराते हैं ठीक पहले तो सब दिनों के नाम सुनाओ फिर से संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे याद हुआ आंचल ठीक है अब बताओ हम सिर्फ आंचल से पूछेंगे और आंचल बताएगी आंचल फर्स्ट डे संडे सेकंड डे मंडे ठीक है थर्ड डे ट्यूसडे फोर्थ डे वेडनेसडे फिफ्थ डे थर्सडे सिक्स डे फ्राइडे सेवन डे सैटरडे वेरी गुड अब तो तुम्हें याद हो गया अच्छा अब ये बताओ कल से तो सर्दी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और संडे भी है कल से सब लोग क्या करेंगे खूब मौज मस्ती रोहन तुम क्या कर रहे हो मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा ओहो ये तो नानी के घर जाएंगे और तुम क्या करो विपुल मैं तो खूब खेलूंगा अच्छा ये खूब खेलेंगे लेकिन पढ़ाई लिखाई मत भूलना अच्छा आंचल तुम क्या करोगी मैं दूध पी के अपनी सेहत बनाऊं तुम्हारे लिए बहुत जरूरी तुम सेहत जरूर बनाना जिससे तुम्हें कोई चीज याद रहे ठीक है और तुम क्या करोगी जया मैं खेत पे जाकर खूब मटर की फलियां खाऊंगी लो ये तो पूरा खेत ही खाली कर देंगी लेकिन तुम ऐसा करना दफ्ती से ये गेम बनाना ठीक है बना लोगे ना और अपने दोस्तों को भी सिखाना तुम नानी नाना को सिखाना ठीक है चलो ऐसा करते हैं मैं भी तुम्हारे साथ गाना गाती हूँ कल की छुट्टी की खुशी में ठीक तिनके पे तिनका छुट्टी के दिन का इंतजार है आज शनिवार है कल इतवार है आज शनिवार है कल इतवार है छत पे उड़ाएंगे हम लोग पतंग घर वालों को करेंगे हम तंग कुल्फी मलाई चटपटा चना जोरदार है
छुट्टी के दिन का इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है।